नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। लेजेंड लीग के फाइनल में इंडियन कैपिटल्स ने भिलवाड़ा किंग्स को 104 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले बैटिंग करते हुए गौतम गंभीर की टीम ने 7 विकेट खोकर 211 रन बनाए, जिसके जवाब में इरफान की टीम केवल 107 रनों पर सिमट गई। बुधवार को लेजेंड लीग सीजन 2 फाइनल मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इरफान पठान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए खराब शुरुआत की और अपने 4 विकेट केवल 21 रन के स्कोर पर खो दिए, लेकिन इसके बाद इनफॉर्म बैट्समैन रॉस टेलर ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए टीम की नैया को पार लगाया। टेलर ने मिचेल जॉनसन के साथ मिलकर 60 गेंदों पर 126 रन की साझेदारी की। जॉनसन ने भी टेलर का अच्छा साथ देते हुए 35 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके लगाए। जॉनसन को 15वें ओवर में टीम ब्रेसनन ने आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। वहीं रॉस टेलर ने 41 गेंदों पर 82 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके लगाए। टेलर को 17वें ओवर में राहुल शर्मा ने आउट किया, लेकिन इसके बाद एक और इनफॉर्म बैट्समैन एसले नर्स ने अंत के ओवरों में मात्र 19 गेंदों पर 42 रन बनाकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 211 रन तक पहुंचाया। भिलवाड़ा किंग्स के लिए राहुल शर्मा ने 4 और मोंटी पनेसर ने 2 विकेट लिए। 212 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भिलवाड़ा किंग्स की टीम अपनी पारी के दौरान लय में नहीं दिखी। 8 रन के स्कोर पर टीम का पहला विकेट गिरा और उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। सबसे ज्यादा 27 रन शेन वॉटसन ने बनाए। टीम के 7 बल्लेबाज दहाई अंक का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और अंत में टीम 18.2 ओवर में 107 रनों पर सिमट गई। इंडिया कैपिटल्स के लिए पवन सुहेल, प्रवीण तांबे और पंकज सिंह ने 2-2 विकेट लिए। मिचेल जॉनसन, लियम प्लंकेट और रजत भाटिया को 1-1 विकेट मिला। इस जीत के साथ ही इंडिया कैपिटल्स ने 2 करोड़ का इनाम अपने नाम किया, जबकि भिलवाड़ा किंग्स को 1.5 करोड़ से संतोष करना पड़ा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।